नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ ने आज सिद्ध कर दिया है कि 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार की तरफ से किए गए नोटबंदी का फैसला सही था। वहीं बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण करने के फैसले को आज सही ठहराया है। विमुद्रीकरण का फैसला जब लिया गया था तो देश के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था पर काले धन का आधिपत्य होता जा रहा है, आतंकवाद, नशीली दवाओं के कारोबार समेत तमाम अवैध कारोबार में वो काली कमाई लगाई जा रही थी। और आज संविधान की पीठ के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है, केंद्र सरकार ने देश हित में उक्त फैसला लिया था। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भी काम करेगी, जो भी निर्णय लेगी, देश हित में ही होगा, इतना तो तय है। इसीलिए इस पर कोई शंका, कोई संदेह कभी न था न कभी रहेगा।